चमोली में बारिश के चलते लगातार हो रहा भूस्खलन, भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग हुआ बाधित, ग्रामीणों को करना पड़ रहा कई समस्याओं का सामना। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए कर रहा किसान मेले का आयोजन, 7 अक्टूबर को होगा मेले का शुभारंभ, मेले में लगाए जाएंगे कृषि से संबंधित स्टॉल। हरिद्वार में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ से हो रहा सड़क का निर्माण, ग्रामीणों ने उठाए सड़क की गुणवत्ता पर सवाल, कहा गलत तरीके से किया जा रहा निर्माण कार्य। केदारनाथ मंदिर में कई महीनों से पसरा था सन्नाटा, यात्रा खुलने पर उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़, ई पास होने के बाद ही मिल रही यात्रियों को एंट्री। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे ने किया कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण, भास्कर खुलबे ने किया मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सा, उत्तराखंड की उन्नति को लेकर की मां गंगा से बात। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। अटल आयुष्मान योजना के 3 साल पूरे होने पर आयोजित आयुष्मान भारत आरोग्य मंथन कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर सीएम धामी ने कहा कि करोड़ों परिवारों को दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुरक्षा योजना आयुष्मान योजना से स्वास्थ्य रक्षा कवच मिला है। सरकार की तरफ से स्वास्थ्य सुविधाओं के तहत आम जनता को आयुष्मान कार्ड उपलब्ध कराए गए, जिसका लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग को मिल रहा है। राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। पिछले 4 सालों में राज्य में स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक कार्य हुए हैं। उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत लगभग 3.5 लाख लोगों को इस योजना का लाभ मिल चुका है, जो कि वास्तव में कीर्तिमान है। इस योजना में सरकार के 460 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सीएम धामी ने कहा कि बेसहारा लोगों को अटल आयुष्मान योजना ने सहारा देने का काम किया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अटल आयुष्मान के अंतर्गत आने वाले हॉस्पिटलों का भुगतान 1 सप्ताह के अंदर कर दिया जाएगा। अटल आयुष्मान कार्ड बनाने में पहले शुल्क लिया जाता था, लेकिन अब शुल्क नहीं लिया जाएगा, यह शुल्क सरकार की तरफ से वहन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और देश नई नई बुलंदियों को छू रहा है। आज करवाने में सक्षम नहीं है, जिसके पास इतने साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, उन सभी को लाभ पहुंचाने का काम इस योजना से हो रहा है। उत्तराखंड के अंदर 3.5 लाख लोगों को अभी तक इस योजना का लाभ मिल चुका है। 460 करोड़ रुपया अभी तक सरकार ने इसमें वहन किया है और अभी हमने कहा है कि इस योजना में जो चीज़ें छूट गई हैं उनमें उनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। निश्चित रूप से ये योजना भूतों न भविष्यति ऐसी योजना है, स्वतंत्र भारत के इतिहास में और दुनिया की स्वास्थ्य के क्षेत्र में आने वाली सबसे बड़ी स्कीम है। आज इसके 3 वर्ष पूरे हो रहे हैं, मैं सभी को बधाई देता हूं, माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद। वहीं देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अचानक ISBT देहरादून पहुंचे, जहां पर मुख्यमंत्री के औचक निरीक्षण से हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने तमाम व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इसी के साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बस में बैठे यात्रियों का फीडबैक भी लिया। तो देहरादून की तस्वीरें हैं, जहां पर मुख्यमंत्री एकाएक पहुंचे और उन्होंने वहां पर निरीक्षण किया। आपको बता दें ISBT देहरादून पहुंचे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने बस के अंदर जाकर भी बस का निरीक्षण किया, जिससे वहां मौजूद लोगों के बीच, अधिकारियों के बीच हड़कंप का माहौल हो गया। तो ये निरीक्षण की तस्वीरें हैं ISBT देहरादून की, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे थे और उन्होंने तमाम लोगों से बातचीत की और इसके साथ ही बस में बैठे यात्रियों का फीडबैक भी लिया। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय किसानों के लिए 110वें अखिल भारतीय किसान मेले का आयोजन करने जा रहा है। मेले का शुभारंभ 7 अक्टूबर को होगा। वहीं यह मेला 4 दिनों तक चलेगा, जिसमें किसानों के लिए बीज, पौधे और कृषि के आधुनिक यंत्र उपलब्ध रहेंगे। किसान मेला और कृषि उद्योग प्रदर्शनी का आयोजन इस बार फिजिकल मोड पर होने जा रहा है, जिसको लेकर पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की तरफ से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मेले का आयोजन 7 अक्टूबर को किया जाएगा, जो 4 दिनों तक चलेगा। मेले का समापन 10 अक्टूबर को होगा। पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति तेज प्रताप सिंह ने बताया कि मेले के लिए विश्वविद्यालय के अधिकारियों संग बैठक हो चुकी है। मेला पहले की तरह भव्य नहीं होगा, मेले में कृषि से संबंधित ही स्टॉल लगाए जाएंगे। सात से 9 अक्टूबर के बीच में 7, 8, 9, 3 दिन इसमें थोड़ी सी मुश्किलात वो रहेगी। एक तो हम लोगों को तो बुला रहे हैं, लेकिन आप जानते हैं कि अभी कोरोना का डर है, कोरोना काल का,
तो थोड़ा सा मिक्स्ड उस पर होगा, बहुत सारे कार्यक्रम हम नहीं भी कर पाएंगे, दुकानें लगेंगी, बीज बिकेगा, उसके लिए आते हैं, वैज्ञानिक लोग भी अवेलेबल होंगे। सिर्फ कहाँ का टेल होगा कि बहुत सारे लोग जो आते थे जो हम वो प्रोग्राम्स करते थे वो शायद थोड़ा कम करना पड़ेगा, बाकी तो ठीक है, बढ़िया है, शुभकामनाएँ। बीज हमारे पास पूरे हैं, जो जो बीज के लिए आ रहे हैं उनका इंतजाम पूरा है, जो मशीनरी के लिए आएंगे उनके लिए दुकानें पूरी हैं, काम का सब कुछ होगा। वो जो मेला टाइप है उसको थोड़ा कंटेल किया हुआ है, जो भेलपूरी खाने आते थे या समोसे खाने आते थे वो शायद ज़्यादा नहीं मिलेंगे, बीज मिल जाएंगे, प्लांट्स भी मिलेंगे, मशीनरी भी मिलेगी, वो होगा। वहीं हरिद्वार के कोटा मुरादनगर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की तरफ से एक सड़क का निर्माण हो रहा है। ग्रामीणों की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार धनौरी से लेकर जसावाला और कोटा मुरादनगर से लेकर ठंडा तक एक सड़क का निर्माण होना है। ग्रामीणों की तरफ से सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए गए कि सड़क का जो निर्माण हो रहा है वो गलत तरीके से किया जा रहा है। सड़क पर जो पत्थर बेस लेयर के रूप में डालने चाहिए थे उसकी गुणवत्ता में भी कटौती की गई है, और लोगों का ये भी कहना है कि ठेकेदार ने विभागीय अधिकारियों की मिली भगत से पत्थर और मिट्टी मिक्स कर शातिराना तरीके से वहां पर ठोस माल का मानक पूरा कर दिया है। ग्रामीणों के अनुसार उनकी तरफ से जिलाधिकारी और सीडीओ को सड़क बनाने में चल रही धांधलीबाजी से अवगत कराया था, और सीडीओ हरिद्वार की तरफ से जांच टीम भी गठित की गई थी। जांच टीम के अधिकारी जांच के लिए कोटा मुरादनगर बन रही सड़क पर पहुंचे थे, विभागीय अधिकारी जांच के लिए तो आए लेकिन ठेकेदार की बात सुनकर ही वापस चले गए। तो हरिद्वार की तस्वीरें हैं जहां पर लोगों ने गलत तरीके से सड़क का निर्माण कराए जाने की बात की है, सड़क की गुणवत्ता को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं और ठेकेदार पर सीधे तौर पर आरोप लगाए हैं कि उन्होंने शातिराना चाल चलते हुए सड़क की गुणवत्ता पर ध्यान नहीं दिया है। तो हरिद्वार का यह मामला है जहां पर लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने बिल्कुल भी ध्यान ना देते हुए और शातिराना तरीके से वहां पर तमाम चीजें मिक्स करके रोड को तो ठोस बना दिया है लेकिन गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिसकी शिकायत सीडीओ से भी की गई और सीडीओ हरिद्वार की तरफ से जांच टीम भी गठित की गई थी। जांच टीम के अधिकारी जांच के लिए कोटा मुरादनगर बन रही सड़क पर पहुंचे थे, विभागीय अधिकारी जांच के लिए तो आए लेकिन ठेकेदार की बात सुनकर ही वापस चले गए, तो जिससे लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हरिद्वार का ये पूरा मामला है जहां पर सड़क की गुणवत्ता को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। वहां के लोगों का आरोप है कि जो ठेकेदार है उन्होंने सड़क की गुणवत्ता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और सड़क गुणवत्ताहीन बनाई जा रही है, जिसको लेकर शिकायत भी की गई, अधिकारियों से शिकायत की गई, लेकिन इसके बावजूद जांच टीम तो गठित की गई लेकिन जांच टीम भी वापस आकर चली गई, ठेकेदार की बात सुनी गई वहां पर लोगों की बात नहीं सुनी गई, और जांच टीम पर भी अब सवाल उठने लगे हैं कि किस तरीके से जांच टीम ने गुणवत्ता को लेकर वहां पर जो मानक थे उन पर ध्यान नहीं दिया बल्कि ठेकेदार की बात सुनी और ग्रामीणों की बात को अनसुना किया गया। तो हरिद्वार की तस्वीरें देख रहे हैं यहां पर, जहां पर सीडीओ के द्वारा बनाई गई जांच टीम मौके पर पहुंची थी, रोड का निरीक्षण करना था, रोड की जांच करनी थी कि गुणवत्ता के सारे मानक पूरे किए गए हैं या नहीं, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि जांच टीम मौके पर तो पहुंची लेकिन उन्होंने ठेकेदार की बात को सुनकर वहां से जाते बने। केदारनाथ मंदिर में कई महीनों से पसरा सन्नाटा यात्रा खुलने के बाद दूर हो गया है। यात्रा खुलने के बाद से हर 500 के लगभग भक्त बाबा केदार के दरबार में पहुंच रहे हैं। इस साल की केदारनाथ यात्रा 18 सितंबर से शुरू हुई थी, 5 दिन में 3000 के करीब यात्री बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। हालांकि यात्रा करने के लिए ई पास लागू किया गया है, ई पास होने के बाद ही यात्रियों को केदारनाथ भेजा जा रहा है। तो केदारनाथ में पसरा सन्नाटा अब दूर हो चुका है, यात्रा खोले जाने के बाद अब यात्रियों का आना जाना वहां शुरू हो चुका है। तो केदारनाथ की तस्वीरें हैं जहां पर चारधाम यात्रा को खोला जा चुका है, जिसके बाद केदार नगरी में पसरा सन्नाटा अब दूर हो गया है, वहां पर व्यवसाय के काम भी शुरू हो चुके हैं, इसके साथ ही वहां पर उद्घोष के जो नारे हैं वो भी गूंजने लगे हैं। तो केदार नगरी का जो सन्नाटा जो काफी लंबे समय से पसरा हुआ था वो आखिरकार चारधाम यात्रा खुलने के बाद अब दूर हो गया है। प्रधानमंत्री के सलाहकार भास्कर खुलबे पीएम नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट कर्णप्रयाग रेल लाइन का निरीक्षण करने पहुंचे। सबसे पहले उन्होंने योगनगरी रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया, जिसके बाद वो शिवपुरी में बन रही रेलवे की टनल को देखने के लिए पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कर्णप्रयाग रेल लाइन की प्रगति की जानकारी वो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देंगे। शाम के समय उन्होंने त्रिवेणी घाट पर मां गंगा की भव्य आरती में हिस्सा लिया। गंगा आरती करते हुए उन्होंने उत्तराखंड की उन्नति को लेकर मां गंगा से प्रार्थना भी की।
माँ गंगा हमारी आस्था है, माँ गंगा हमारी विरासत है, माँ गंगा हमारी धरोहर है। ऐसा सौभाग्य प्राप्त हुआ है आज यहाँ पर गंगा आरती देखने का कि माँ को नमन करते हुए मुझे यही कहना है कि उत्तराखंड प्रगति करे, उत्तरोत्तर प्रगति करे और विकास करता रहे। सर, निरीक्षण किया आपने, क्या कैसा है, काम का किस तरह चल रहा है? उसको तो देखने के लिए कल मौका मिलेगा, उसके बाद ही कुछ बता पाऊंगा, अभी तो कुछ नहीं कह सकता। बद्रीनाथ केदारनाथ जाएंगे दर्शन के लिए? कोशिश तो यही है, अगर आज्ञा रही तो भगवान की। वहीं हरिद्वार के रुड़की से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता कथित पाकिस्तानी नागरिक आबिद को आखिरकार लोकल इंटेलिजेंस यूनिट के गुप्तचरों ने ढूंढ निकाला है। 2010 में आबिद को बीएसएम 13 रुड़की से पुलिस और इंटेलिजेंस की टीम ने पकड़ा था। उस पर आरोप था कि वो पाकिस्तानी नागरिक है और गैर कानूनी तरीके से भारत में रह रहा है। आज 14 साल की सजा का फैसला आते ही पुलिस आबिद को लेने पहुंची तो आबिद ने अपने बताए हुए पते पर नहीं था। उसके बाद खुफिया इंटेलिजेंस सक्रिय हुआ और आबिद की तलाश की गई, लेकिन आबिद का कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है। इसी बीच LIU ने आबिद के संभावित ठिकानों पर उसको तलाश किया था, लेकिन वहां से वो चकमा देने में कामयाब हो गया। देर शाम आबिद को लोकल इंटेलिजेंस यूनिट ने पकड़कर गंग नहर पुलिस के हवाले कर दिया है। देहरादून में खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री बच्चीधर भगत ने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने सस्ता गल्ला विक्रेताओं की समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। मंत्री भगत की अध्यक्षता में हुई बैठक में विभागीय अधिकारियों और राशन विक्रेताओं के साथ चर्चा की गई। मंत्री वंशीधर भगत ने कहा कि राशन विक्रेता को काफी मेहनत करने के बाद भी लाभांश नहीं मिल पाता है। विभागीय अधिकारियों ने कहा कि लाभांश दिए जाने और दाल पर 100 रुपए कुंतल दिए जाने का प्रकरण वित्त विभाग में विचाराधीन है। तो तस्वीरें देहरादून की है जहां पर खाद्य विभाग के अधिकारियों की बैठक हुई है। बैठक की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने, देहरादून का ये पूरा मामला है जहां पर खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बैठक की। इसके बैठक में विक्रेताओं की समस्याओं के जल्द निस्तारण के निर्देश दिए गए हैं। तो व्यवसायियों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर बैठक का आयोजन किया गया था। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने ये बैठक की थी, जिसके बाद जो भी समस्याएं आ रही हैं, विक्रेताओं की समस्याएं जो भी आई हैं उनका जल्द निस्तारण किया जाए, ऐसे दिशा निर्देश दिए गए हैं। प्रदेश के सस्ता गल्ला विक्रेताओं का और अधिकारियों के साथ हमारी अध्यक्षता में बैठक हुई। पिछले दिनों जो बैठकें हुई थी उसमें कुछ बातें तय हुई थी, जैसे लाभांश में 50 रुपये देना है, दाल पर 100 रुपये कुंटल देना है और बायोमेट्रिक में थोड़ी छूट देनी है। जो भी दुकानें संबद्ध हैं उनको उस स्थान पर भेजना है जहाँ पर थी, तो उसकी समीक्षा बैठक हुई। तो अब अधिकारियों ने बताया है कि 100 रुपये वाला और 50 रुपये वाला मामला हमारे वित्त में है, बाकी सभी कंट्रोल धारक जो हैं उनके पदाधिकारी यहाँ अध्यक्ष महामंत्री आए हैं, तो इन्होंने सब अपनी बातें रखी और उस बातों पर गंभीरता से विचार किया। ये सस्ता गल्ला विक्रेता जो भी हैं सब अपने बहुत मेहनत करते हैं, बहुत परिश्रम करते हैं, उसके बाद भी कोई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट उनको नहीं मिलता है, इसलिए इनकी मांगों पर विचार बहुत गंभीरता से होना चाहिए, ऐसा हमने निर्देशित किया है। वहीं लक्सर में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि एक राइस मिल में एक चौकीदार का शव मिला था। लक्सर पुलिस लगातार हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार पुलिस को आज कामयाबी मिल गई और हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज लक्सर कोतवाली पहुंचे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि हत्या आरोपियों के पास से हत्या कर चुराया गया सभी सामान बरामद कर लिया गया है और हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपियों के पास से इन्वर्टर की बैटरी समेत कई सामान मिले हैं। आरोपियों की तरफ से बताया गया कि हत्या रंजिश और लूट के इरादे से की गई थी। हत्या में 3 आरोपी शामिल रहे थे, तीनों को ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो लक्सर का यह पूरा मामला है जहां पर हत्यारोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये बड़ी कामयाबी पुलिस को मिली है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ये लोग हैं जो हत्या के आरोपी बताए जा रहे हैं, जिनके पास से पुलिस ने कई सामान भी बरामद किए हैं। ये 18 तारीख को अकबरपुर गांव में एक बंद राइस मिल है, इसके चौकीदार की हत्या कर दी गई थी। पुलिस लगातार इसको अनावरण में लगी हुई थी। हत्या के साथ साथ यहाँ से कुछ सामान जिसमें कि इसका मोबाइल और मोटरसाइकिल थी और अन्य जो घरेलू सामान होता है ये भी यहाँ से लूटा गया था। तो इसमें अभियोग पंजीकृत करके पुलिस लगातार इसके अनावरण के प्रयास में लगी हुई थी और इसमें आज सुबह सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें कि 3 अभियुक्त जो आसपास के इलाकों के ही हैं इनको गिरफ्तार किया गया है। घटना का मोटिव
पार्शली रंजिश और पार्शली लूट है। इनमें से एक अभियुक्त ऐसा था जो चौकीदार को पहले से जानता था और वहीं पर काम भी करता था, इसको निकाले जाने के कारण ये क्षुब्ध था और लूट के इरादे से फिर ये हत्या की गई। ये तीनों लोग मित्रवत अंदर घुसे, फ्रेंडली लोग तरह से घुसे, खाना इन्होंने साथ खाया और बाद में अवसर देखकर इसकी हत्या कर दी। इस घटना में जो भी सामान लूटा गया था ये सारे के सारा सामान लगभग बरामद हो गया है और इस घटना के खुलासे के लिए मेरे द्वारा 2500 और DIG रेंज जो मैडम है उनके द्वारा 5000 के इनाम की घोषणा की। वहीं लक्सर क्षेत्र में देर रात जेसीबी मशीन लगाकर खनन माफियाओं की तरफ से अवैध खनन किया जा रहा था। वहीं मुखबिर की तरफ से मिली खनन की सूचना लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता को दी गई। लक्सर उप जिलाधिकारी के निर्देश पर तत्काल कार्रवाई करते हुए छापेमारी की कार्रवाई की गई, जिसमें 7 ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 जेसीबी मशीन को मौके से पकड़ लिया गया और सभी को अवैध खनन से संबंधित धाराओं में सीज कर दिया गया है। लक्सर उप जिलाधिकारी की तरफ से की गई इस कार्रवाई से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। लक्सर उप जिलाधिकारी वैभव गुप्ता का कहना है कि लक्सर में अवैध खनन को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खनन माफियाओं के हौसले तोड़ने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। तो लक्सर का ये पूरा मामला जहां पर खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मच गया है, तो खनन माफियाओं के ऊपर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। लक्सर की तस्वीरें हैं जहां पर लक्सर SDM ने अवैध खनन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ट्रैक्टर ट्रॉली को सीज कर दिया है, जिससे वहां पर खनन माफियाओं के बीच हड़कंप मचा हुआ है। जनपुर क्षेत्र में अवैध खनन चल रहा है तो उसमें रात्रि को ही टीम के साथ वहाँ मौके पर भेज दी गई, तो वहाँ पर 7 जो ट्रैक्टर ट्रॉली पाई गई उनको सीज कर दिया गया और साथ ही 2 GCV पाई गई उनको सीज कर दिया गया। मौके सर अवैध खनन के खिलाफ लगातार पिछले 2 हफ्तों से कार्रवाई चल रही है और ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। क्षेत्र में कोई भी अवैध खनन होने नहीं दिया जाएगा। चमोली के दशोली विकासखंड के निजमूला घाटी में बीती रात को हुई बारिश से PMGSY के सड़क पर लगातार भूस्खलन होने से ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते ग्रामीण 2 किलोमीटर की पैदल दूरी पार कर अपने गंतव्य तक पहुंच रहे हैं। बता दें कि गुरुवार को सुबह भी भूस्खलन होने से मोटर मार्ग पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। वहीं स्थानीय निवासी प्रदीप सिंह, महेंद्र कुमार और देवेंद्र का कहना है कि सड़क बाधित होने से ग्रामीणों को आवाजाही करने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर भूस्खलन के चलते लोगों को आवाजाही करने में परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में मॉनसून आने के बाद से ही लगातार बारिश का जो दौर है वो शुरू है, जिसके चलते कई जगहों पर भूस्खलन देखने को मिल रहा है। ये चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर भूस्खलन होने के चलते अब ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है, जहां पर लोगों को काफ़ी अन्य समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है। इसी बीच आपको बता दें कि चमोली में भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग भी बाधित हो गया है, जिसको लेकर वहाँ लोग लगाए जा चुके हैं। लगातार जो बाधित मार्ग है उसको ठीक करने का कार्य किया जा रहा है, लेकिन मोटर मार्ग बाधित होने के चलते लोग एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पा रहे हैं। तो ये चमोली का पूरा मामला है जहां पर ग्रामीणों की मांग है कि मोटर मार्ग को जो बाधित हो चुका है उसको जल्द से जल्द सुचारू किया जाए और जल्द से जल्द उसको खोला जाए ताकि आवाजाही दोबारा से शुरू की जा सके। तो चमोली में भूस्खलन होने से रास्ता बाधित हो चुका है, ऐसी तस्वीरें लगातार उत्तराखंड में आजकल आम हो चुकी हैं, क्योंकि लगातार बारिश के चलते वहाँ पर मिट्टी दरक जाती है, जिसके चलते भूस्खलन की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। और ऐसे में उत्तराखंड के कई जो पहाड़ी क्षेत्रों हैं वहाँ से इस तरीके की तस्वीरें सामने आती रहती हैं। ताज़ा मामला ये चमोली का है जहाँ पर भूस्खलन होने के चलते मोटर मार्ग बंद हो गया है। जो मोटर मार्ग है, सड़क है, वहाँ पर भूस्खलन होने के चलते मिट्टी के ढेर लग गए, जिसके चलते मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। और मार्ग बाधित होने के बाद ग्रामीणों की तरह तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मुश्किल हो चुका है, जिसके चलते अब ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द मोटर मार्ग को सुचारू रूप से दोबारा से शुरू कराया जाए, दोबारा से चालू करा जाए, क्योंकि आवाजाही में ग्रामीणों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर भूस्खलन होने के चलते रास्ता बाधित हो चुका है। तो उत्तराखंड में ऐसी तस्वीरें आजकल आए दिन आम होती जा रही हैं। तरह तरह की खबरें ऐसी सामने आ रही हैं जहां पर भूस्खलन होने के चलते मोटर मार्ग बाधित हो जाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में आजकल आम है और हर साल यही तस्वीरें देखने को मिलती है जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों में भूस्खलन होने लगता है जब बारिश का मौसम आता है, जब मानसून आता है। उन्हीं में से आज एक ताज़ा मामला है, चमोली की तस्वीरें हैं जहाँ पर दशोली विकासखंड के निजमूला घाटी में बीती रात को हुई बारिश के बाद से भूस्खलन लगातार शुरू था जिसके चलते अब मोटर मार्ग बाधित हो गया। आपको बता दें कि PMGSY की सड़क पर लगातार भूस्खलन होने से अब ग्रामीणों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जहां एक तरफ भूस्खलन के चलते मोटर मार्ग बाधित है, वहीं भूस्खलन के चलते वहां रह रहे लोगों को भी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। भूस्खलन लगातार जारी है, बारिश तेज बारिश बताई जा रही है जिसके चलते ये PMGSY मार्ग पर भूस्खलन हुआ। भूस्खलन होने के चलते सड़क पर मिट्टी के ढेर इकट्ठा हो गए। मिट्टी के ढेर इकट्ठा होने के चलते मार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया, जहां पर एक जगह से दूसरी जगह जाना अब संभव नहीं है जिसके चलते लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में वहां मौजूद ग्रामीणों की मांग थी कि मार्ग को जल्द से जल्द सुचारू रूप से शुरू कराया जाए क्योंकि मार्ग काफी लंबे समय से बाधित है जिसको लेकर उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। जनपद चमोली के दसोली ब्लॉक के अंतर्गत गौणा निजमूला पाणाई रानी सड़क PMGSY की है जो विगत 15 दिनों से गौणा के ऊपर राजकीय इंटर कॉलेज के बगल में बंद है और उस सड़क के बंद होने से पाणा ईरानी दुर्मी पगना धार कुमारा गांव की लोगों को बहुत बड़ी दिक्कत हो रही है। उसमें लोगों का राशन पानी और लोग जो बीमार हो रहे हैं वो लोग गांव से आ नहीं पा रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो गई है और बार बार PMGSY के अधिकारियों से वार्ता भी करी है लेकिन उसका समाधान हो नहीं पा रहा है और लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा PMGSY को कि वो जल्दी इस रोड को खोलने का प्रयास करेंगे जिससे कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए, लोग बाजार आराम से आ पाए, अपने सामान को ले पाए और लोग जो विशेषकर जो स्वास्थ्य की बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, लोग बीमार होकर के नहीं आ पा रहे हैं, उन लोगों के आगमन का रास्ता सुगम हो जाएगा और जिसके बाद लोग आसानी से बाजार आ पाएंगे। तो फिलहाल के लिए उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद।